पहाड़ों से छोड़े गए पानी के बाद लोगों की मुसीबतें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और यही वजह है कि घरों में जमा कई कई फीट पानी भले ही उतर गया हो लेकिन उसके बावजूद घरों में जमा बदबूदार कीचड़ सेहत के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो रही है। देखिए बिजनौर से एक दर्द भरी दास्तां पीड़ितों की जुबानी। यह बिजनौर के कछुआना बस्ती का हाल जिसकी अगर आबादी की बात करें तो 800 के करीब है। अभी हाल ही में हरिद्वार भीमगौड़ा बांध से छोड़े गए पानी के बाद गंगा किनारे बसे लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। घरों में जमा बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो लेकिन पानी के साथ भारी भरकम बदबूदार कीचड़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरों में जमे कीचड़ में स्कूली बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, साथ ही कीचड़ से बीमारियां भी पनपने लगी हैं। कछुआना बस्ती की सड़कों से लेकर घरों में जमा कीचड़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। मंदिर में भी कीचड़ के पानी उतरने के बाद गंदगी का अंबार लग चुका है। मंदिर में श्रद्धालु भी आने से कतरा रहे हैं और इतना ही नहीं सड़कों पर जमा कीचड़ लोगों के लिए हादसे का शिकार बन रही है। हालांकि बस्ती के लोगों का ये भी आरोप है कि प्रशासन का एक भी अफसर इनकी सुध लेने नहीं आया और न ही उनकी मदद व गंदगी को साफ करवाने आया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ शोएब कुरैशी। क्या नाम है आपका? रोहतास जी, ठेले पे आपने सामान भर रखा है, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? रात पानी आ गया बाढ़ का, कम से कम 8 दिन हो गए पानी में आते आते। यहाँ पे घरों का सारा सामान कुछ तो बह गया है और कुछ हमने ये रख रखा है, लेकर कहाँ जाएंगे बताओ? क्या ना क्या? तो सरकार ने हमें सुविधा दे रखी है कहीं रहने की, अब कहाँ लेकर जाए इसे? अब ये मकान है का आप खुद ही देखिए, कच्चा मकान है, छप्पर पड़ा हुआ है इस पर। लोग वहाँ ये जो भी अधिकारी आया उसने इनके मकान तुम्हारा पक्का है, तुम्हें कहीं की दिक्कत है? आप देखिए जरा खुद। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से, हमारी सुनवाई हो जल्द से जल्द और हमें रहने सहने की सुविधा मिले। ये जानवर जो बांध रखे हैं, कितने जानवर हैं, कहाँ से चारा लेकर आते हैं इनके लिए? चारा लेकर आते हैं, आजकल तो चारा भी नहीं मिल रहा है, इतना इतना पानी में जाना पड़ता है, आगे यहाँ पे पांग भरी पड़ी है तो चारा भी खत्म ही है, आजकल काम काज वैसे भी नहीं है। तो जब पानी आता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? क्या यही रहते हैं? कहाँ जाए, कोई सूचना नहीं देता। सूचना देते हैं तो वहाँ आके धर्मशाला तक आके चले जाते हैं और यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आता। एक हमारे गढ़ी के प्रधान थे हैं जो उन्होंने अपने पटवारी को रात को 2-2.5 बजे यहाँ पर आए हुए खुद, उनके साथ और भी टीम थी पानी वाली, खाने पीने तो, की हाँ वे देखने आए। हम उनके आज भी तारीफ करेंगे। हमारे प्रधान ने कोई सुविधा नहीं दी हमें। ठीक है, ठीक, ओके। क्या नाम है आपका? अनु जी, लगातार जब पानी बढ़ता है, नदी में पानी आता है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? यहीं रहते हैं बस, ज्यादातर छत पे रहते हैं और लोग आते हैं, पटवारी आते हैं, विधायक आते हैं, बस देख के चले जाते हैं, सुनवाई कोई नहीं होती हमारी। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, बच्चे कैसे जाते हैं पानी में? तो पानी में जाते हैं, पानी में लेके जाते हैं, किसी का बैग गिर जाता है, जूते वूते सब गिर जाते हैं, बच्चों से भी बहुत दिक्कत है, आने जाने में हर चीज की परेशानी है, सुनवाई किसी चीज की नहीं हो रही है। ये कच्चा मकान है आपका, गारा घुसा हुआ है घर के अंदर, क्या 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 कहेंगे? हाँ कच्चा मकान है हमारा, जो भी देखना आता है पटवारी अधिकारी बनो कहते हैं पक्का है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, जो रहता है उसे पता चलती है। अब भी हमारे घर में इतना गारा हो रहा है, पानी भी है, पटवारी भी आता है, पटवारी आता है और उन्होंने बोला था कि दो परेशानी है हमें बताओ, तो वो लिख कर लेके गए थे, मगर सुनवाई किसी चीज की नहीं हुई। रात भी पानी आया तो मेरा नाम सोमा है और हम यहाँ पर नदी नाले से बहुत परेशान हैं और हमारे खाने पीने की दिक्कत बहुत हो रही है, मतलब कि यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे बच्चे पढ़ना लिखाई से बहुत परेशान हैं। अब ये देखो हमारे घर पे क्या हालत हो पड़े हैं, रोज़ पानी आता है, टट्टी भी साफ से सब बहुत परेशान है, हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। अब घर में बताओ, बच्चों घर बिठा कब तक रखेंगे अभी बताओ? सरकार हमारे तरफ से कुछ नहीं सुन रही है और हम मतलब खाने पीने से लाले से हम बहुत परेशान हैं, हमें खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी बताओ हम कमरे में अपने घर बार छोड़ कर कहाँ जाएंगे, कच्चे पक्के मकान है हमारे, अभी बताओ आपको, आपने तो देखा है चार तरफ पे कितना बुरा हाल होया पड़ा है और जिंगे तांगे जी जनावर का डर लगते हैं, सांप लौंडे का अलग सा डर है, अभी बताओ हम बीमार हो रहे हैं सब बच्चे उच्चे बीमार, दवा दारू क्या खर्चा नहीं है, अभी बताओ। कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर आया जी? नहीं, सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है, आते हैं देख के और चले जाते हैं, खाने तक की कोई वो नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछा है खाने पीने के लिए, क्या होता है बस पानी का टैंकर लगा खड़ा कर देते हैं, पानी पी के कब तक गुजारा करते हैं, अभी बताओ बच्चों को भूखा कहाँ तक मारेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, अभी बताओ हमारा आदमी थाला लगाता है
जब नदी नाले कुछ करने देगी तब तक कुछ बच्चे के लिए कर पाएंगे? आप ही बताओ हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? कई साल से रोज पानी आ रहा है, आप ही बताओ अब हम कब तक कहाँ तक झेलें? ग्यारह कीचड़ में बताओ बच्चे कहीं को नहीं लेके जा सकते, कहाँ जावे कहाँ छोड़े किस जगह रहे? सरकार हमारे तरफ से नहीं सुनने की तो हम क्या है ही मर जाएंगे। कितना पानी आता है गांव यहाँ पर? पानी इतना इतना आता है, पानी को कोई भरोसा नहीं रहता है, बाजवा जितना पानी भी आ जाता है बहुत। तो आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? अब कहाँ जाते हैं बताओ, बच्चे को लेकर हम तो यहीं डूबे पड़े रहते हैं, आप ही बताओ कहाँ लेके जाएंगे बच्चे को जब सरकार हमारी नहीं सुनने की? क्या सरकार जब आकर देखेंगे जब एक आदमी मर जाएगा? अभी बताओ बेटा। नताशा कहाँ से आ रही है? बेटा कितना दिक्कत पड़ी आपको आने में? ऊपर से बारिश होती थी तो पानी आता था, हमें बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए पानी के कारण सड़क भी टूट चुकी है। तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको? हाँ। अच्छा, और जब बारिश आती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं घर छोड़ के जब पानी आता है? कहीं भी नहीं, यहीं रहते हैं। हाँ। कौन से स्कूल में हो? आर्य कन्या। कौन सी कक्षा में हो? सेवन्थ। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकम सिंह है। टीकम जी, लगातार पहाड़ों पे बारिश होने से नर्मदा नदी में पानी आ रहा है, आप लोग कहाँ जाते हैं जब पानी आता है गांव में? जी हम तो अपने छतों पे बैठना मंजूर हो जाता है, अरे क्या करें अपने बच्चों को यहाँ, नहीं तो डुबो देंगे नीचे रहेंगे तो डूब जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, हम क्या करें? हमारे डंगा ढोर भी, हम भी ना खाने की ना कुछ, सारा सामान हमारा बह जाता है, हम क्या करें? रात में पूरी पूरी रात हो जाती है हमारी, हमारे जो हल्के के लेखपाल जी हैं आते हैं लिख के ले जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, हम करें क्या ये बताइए? हम तो हमारी आप विनती है सरकार से क्या तो हमें जहर दे दे, क्या हमारे बच्चों को जहर दे दे, हमारे इससे जीने की आशंका खत्म हो चुकी है, हम इतने परेशान हो चुके हैं कि बस सुनने को कोई राजी नहीं, ना हमारा गांव का प्रधान सुनता है ना कोई सुनता है। SDM साहब आती हैं धर्मशाला से लौट के चली जाती हैं, यहाँ कोई नहीं आता ना कोई लेकर आता है यहाँ पे हमारे घर पर। अब आप देखिए मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं, कितना नुकसान है मेरा, कितना फसलों का नुकसान होगा? मेरा काम, मेरा तो घर का ही नुकसान इतना है कि लिहाफ गद्दे सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ मंडी से मैं माल ला कर बेचता हूँ, मेरा भी सारा नुकसान है, सब बह चुका, किसे बताऊँ अब नहीं रोने की, आज आपके सामने रो रहा हूँ बता रहा हूँ। क्या कहेंगे सरकार, भावुक हो रहे हैं आप, क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से मैं ये विनती करता हूँ कि जैसे सबको ने साथ निराला जी के परिवार को 110 गज के पट्टे मिले हैं, हमें भी दिए जाए कहीं ऊंची जगह पे। योगी जी लगातार आवाज दिला रहे हैं गरीब लोगों को, आपने आवाज के लिए वो नहीं कर रहा। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हम ऑनलाइन करते हैं तो अधिकारी ये लेखपाल जी ये काट देते हैं, कुलवीर सेक्रेटरी है वो काट देते हैं। अब आप देखे कुलवीर सेक्रेटरी एक बार मकान आया माँ का है, कुलवीर सेक्रेटरी ने कुछ चंद पैसों के लिए मकान पास कर दिया, ठीक है, किसी ने इनकी माँ की हमारी माँ के मकान की एप्लीकेशन दे दी वो भी फेल हो गई, फिर हमें मुझे लोन पे पैसा लेकर देना पड़ा कुलवीर सेक्रेटरी साहब को 20,000 रुपया। चलिए ठीक है, परेशान बहुत ज्यादा हो जा रहे, किधर तेरे मेरे पड़े रहे, खाना भर आगे ये बताओ तो मुझे, ना खाने की परेशान नहीं, ना पीने की, ना सोने की, ना रहने के लिए भी धंधा। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।